भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ बड़े पर्दे के बाद राजनीति में भी छा गए हैं। लोकसभा की आजमगढ़ की सीट पर हुए उपचुनाव में निरहुआ ने बीजेपी की टिकट पर शानदार जीत अर्जित की है। अब भोजपुरी फिल्मों के बाद निरहुआ संसद में नजर आने वाले हैं। निरहुआ की इस जीत के बाद एक बार फिर उनकी भोजपुरी फिल्में चर्चा में आ गई हैं। इस बीच एक खास फिल्म सुर्खियों में है, जिसमें निरहुआ के अलावा दो बीजेपी सांसदों ने भी काम किया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें इस समय के बीजेपी के तीन सांसदों ने एक साथ काम किया था। दरअसल भोजपुरी की एक फिल्म जिसका नाम गंगा यमुना सरस्वती था, साल 2011 में आई। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन और मनोज तिवारी लीड रोल में थे। बता दें कि निरहुआ से पहले ही रवि किशन लोकसभा की गोरखपुर सीट से और मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं। अब चूंकि फिल्म के तीनों हीरो वर्तमान लोकसभा सांसद हैं, तो इसकी चर्चा लाजमी है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की बात करें तो उनका जन्म 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर के एक गाँव में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्मे निरहुआ ने काफी स्ट्रगल किया था। वो शादियों में जाकर भोजपुरी के गाने गाया करते थे। बाद में उनका एक भोजपुरी एल्बम निकला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से लेकर नेपाल तक काफी पॉपुलर हुआ। इस एल्बम का नाम निरहुआ सटल रहे था। इसी के बाद दिनेश लाल यादव का नाम निरहुआ पड़ गया। म्यूजिक एल्बम के सफल होने के बाद निरहुआ को भोजपुरी फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे और साल 2006 में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद निरहुआ ने लगातार कई हिट फिल्मों में काम किया। निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। निरहुआ ने साल 2000 में शादी की थी और उनके दो बेटे और एक बेटी भी हैं। हालांकि फिर भी भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे से उनके अफेयर के चर्चे आम हैं। ये दोनों ना केवल कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, बल्कि अक्सर साथ भी देखे जाते हैं।